नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। बिहार में मधुबनी के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में CAA NRC और NPR को लेकर CPI आदि दलों ने मिलकर भारत बंद के साथ बिस्फी में भी बंद की असर दिखी है। जगह जगह लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रखंड के नरसाम टीसी कोकिल नूरचक एवं ऑनसी 0 माइल चौक पर भी लोगों ने रहिका जयनगर दरभंगा मधुबनी के आवागमन को अवरुद्ध कर दिया, जिससे लोगों का घंटों आवागमन अवरुद्ध रहा। वही क्षेत्र के सभी कई दुकान भी बंद देखा गया। माकपा नेता जिला किसान मंत्री मनोज यादव ने कहा कि आपसी भाईचारा के बीच यह कानून एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। देश की भलाई के लिए यह कानून सरकार वापस ले। किसान आत्महत्या कर रही हैं, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ध्यान नहीं है। विकास की ध्यान भटकाने के लिए यह काला कानून लगाकर लोगों गुमराह कर रही है। वहीं युवा समाज सेवी आरिफ जिलानी ने सभी समुदायों के लोगों को संबोधित के साथ आजादी की नारा लगाते हुए कहा कि सरकार का मकसद केवल ध्यान भटकाना है, विकास के मुद्दों से भटका रही हैं ताकि सरकार से जनता विकास पर सवाल न पूछे। लेकिन यह सरकार की नीति अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। सरकार के कार्यक्रम को डॉक्टर असलम साहब, CPI जिला किसान मंत्री मनोज कुमार यादव आदि ने संबोधन की। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट।